धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का अलग अलग रूप में चेहरा नजर आ रहा है। जनपद के गुलहरिया थाना क्षेत्र के भठट कस्बे में मेन रोड पर दीपराज हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर का पूरा मामला ही फर्जी निकला। मामला उस समय प्रकाश में आया जब हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया था और उसके बाद हॉस्पिटल का लाइसेंस और चिकित्सक की डिग्री के लिए CMO कार्यालय में जाँच कराई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के चिकित्सक मोहम्मद मोहसिन पुरी पुत्र महमूद अली निवासी करमहा उर्फ करमहिया के पास कोई भी डॉक्टरी डिग्री नहीं मिली और ना ही हॉस्पिटल का लाइसेंस ही मिला, जिस पर गुलेरिया पुलिस ने लापरवाही पूर्वक इलाज करने के आरोप में वांछित अभियुक्त मोहम्मद मोहसिन पुरी पुत्र महमूद अली निवासी करमहा उर्फ करमहिया थाना गुलहरिया को इंडियन मेडिकल काउंसलिंग अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि फर्जी चिकित्सक को गिरफ्तार किया गया है तथा शेष अभियुक्तों की भी जांच करने के पश्चात गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, जो इसमें अभियुक्त है वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के और बिना किसी डिग्री के या बिना किसी अनुमति के अस्पताल चला रहा था फर्जी तरीके से, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हुई। तो उसने CMO से आज्ञा प्राप्त की तो पाया गया कि इसका अस्पताल फर्जी है, कोई किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन या अनुमति या अनुमोदन नहीं है, जिसके आधार पर इनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, इसमें तो जो अनुमति नहीं है, अगर ये फर्जी डॉक्टर बन के इलाज किया है तो सर क्या इसमें धाराओं में पुलिस तरमीम करेगी 419-420 वगैरह के? जी, सभी धाराएं जो मेडिकल एसोसिएशन की धाराएं हैं, मेडिकल एक्ट की और उसके अलावा ICC की धाराएं जो हैं उनमें भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।